हाय गाइज, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने स्टूडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और अपने यूट्यूब की वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हैं, तो जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाला जो म्यूजिक है, ऐसा म्यूजिक कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, यूट्यूब ने हमें एक यूट्यूब लाइब्रेरी दे रखी है, वहाँ पर से आप ये म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ म्यूज़िक एकदम फ्री होते हैं और कुछ के अंदर आपको क्रेडिट देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि फ्री वाले म्यूज़िक कौन से हैं, कौन से म्यूज़िक में क्रेडिट देना है और अलग अलग तरह से फिल्टर करके म्यूज़िक को कैसे डाउनलोड करना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको पास में मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है। ये दोस्तों मैंने वीडियो पहले ही बताया था, लेकिन पहले मैंने सीधा ही क्रिएटर स्टूडियो की वेबसाइट पर ले गया और म्यूज़िक डाउनलोड कैसे करना है वो बताया। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि क्रिएटर स्टूडियो कहाँ होता है, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं बिल्कुल आसान तरीके में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को डिटेल में बताकर आपको क्रिएटर स्टूडियो तक ले जाऊंगा और वहां पर हम जाएंगे यूट्यूब लाइब्रेरी में और वहां पर हम सारी डिटेल देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप चले जाइए गूगल क्रोम के अंदर। मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप भी ठीक ऐसे ही करिएगा। अब यहाँ पर ऊपर तीन डॉट हैं, तीन डॉट पर क्लिक करके आप एक नई टैब को ले लीजिए। जैसे ही आप नई टैब लेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर लिखना है youtube.com। आप यहाँ पर youtube.com लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नहीं आ रहा है और आप YouTube के एप्लीकेशन में रीडायरेक्ट हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस प्रॉब्लम का वीडियो मैंने एक बना रखा है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पर ऊपर तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, हम उन तीन डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डेस्कटॉप वेबसाइट को रिक्वेस्ट कर देंगे। अब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जैसी वेबसाइट खुलती है वैसे यहाँ पर खुल जाएगी। अब यहाँ पर राइट साइड में ऊपर आपको मेरा लोगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको अपना लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने साइन इन कर रखा है, इसलिए मेरे पास ये इंटरफेस आया है। अगर आपने यहाँ पर साइन इन नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद आप इस लोगो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। और दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब स्टूडियो, आपको यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर राइट साइड में आपको कुछ आइकन दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैं जूम करता हूँ। यहाँ पर सबसे नीचे ये जो पेंसिल है उसके नीचे एक म्यूजिक का आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये एक ऑडियो लाइब्रेरी है, हम इसके ऊपर चले जाएंगे। जैसे ही आप ऑडियो लाइब्रेरी पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है म्यूजिक, उसके पास में दे रखा है साउंड इफेक्ट और तीसरा है स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जो म्यूजिक है उसको हम देख लेते हैं कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। ऊपर यहाँ पर इट वॉज अ टाइम, ये एक म्यूजिक है, यहाँ पर प्ले का एक बटन दे रखा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये सेकंड वाला प्ले करते हैं। तो ये तो दोस्तों हमने प्ले करके देखा है, वीडियो छोड़कर जाइएगा मत। यहाँ पर कुछ फिल्टर हैं और क्रिएटिव कॉमन जो एट्रीब्यूशन है वो कैसे लेना है, कैसे लगाना है, वो डिटेल भी यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो अगर इनमें से आपको कोई भी म्यूज़िक पसंद आ रहा है तो इसके सामने देखिए आपको एक डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ये म्यूज़िक आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि ये फाइल मेरी डाउनलोड हो चुकी है। अब दोस्तों, अगर आप कुछ फिल्टर करके म्यूज़िक सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है सर्च फिल्टर बाय लाइब्रेरी, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इतने ऑप्शन दिखाई देंगे, ट्रैक टाइटल, जेनर, मूड, आर्टिस्ट नेम, ड्यूरेशन, एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड और एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर दे रखा है ट्रैक, तो यहाँ पर ट्रैक मतलब आपको अगर किसी म्यूजिक का नाम याद है, आप स्पेशल कोई म्यूजिक डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका आप यहाँ पर नाम लिखिए। जैसे कि मैं यहाँ पर इंडियन लिख देता हूँ, तो अगर इंडियन नाम से कोई म्यूजिक होगा तो यहाँ पर आ जाएगा।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडियन वॉक करके एक म्यूजिक है, ये यहाँ पर आ चुका है। जैसे ही मैंने ये सर्च किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन वॉक नाम का एक टाइटल है और वो ये म्यूजिक है यहाँ पर आ चुका है। इसको मैं यहाँ से फिल्टर को कैंसिल कर देता हूँ, ये मैंने फिल्टर यहाँ से कैंसिल कर दिया। आप वापस हम फिल्टर में जाएंगे और दूसरा हमारा है जेनर, तो जेनर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिव एंड पंक एम्बियंट चिल्ड्रन सिनेमेटिक क्लासिकल कंट्री फॉक डांस हिप हॉप हॉलीडे जाज पॉप R&B सॉल रॉक, ये सारे यहाँ पर फिल्टर दे रखे हैं। अगर आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तो उस कैटेगरी का म्यूजिक आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से हम बैक चले जाते हैं और उसके बाद है मूड। अब उसके बाद आया है मूड। मूड में एंग्री ब्राइट काम डार्क ड्रामेटिक फंकी हैप्पी इंस्पायरेशनल रोमांटिक और सैड। अगर आप सैड पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा सैड म्यूजिक दिखाई देगा। अगर आप रोमांटिक पे करेंगे तो आपको रोमांटिक म्यूजिक दिखाई देगा। यहाँ से हम बैक चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर है आर्टिस्ट नेम। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप जिस आर्टिस्ट का म्यूजिक ढूंढना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम लिखें, उसके सारे म्यूजिक यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है ड्यूरेशन। जैसे ही आप ड्यूरेशन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा लॉन्गर देन, तो आप कितने मिनट का म्यूजिक चाहते हैं। अगर आप 2 मिनट से ऊपर का चाहते हैं तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। 5 मिनट से ऊपर का आपको म्यूजिक चाहिए तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। तो इस तरह से ड्यूरेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास अब ये जो भी म्यूजिक आ रहे हैं आप इनको बिना कोई क्रेडिट दिए अपने YouTube वीडियो में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ म्यूजिक ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ता है, तो क्रेडिट कैसे देना है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे ही आप एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड करेंगे तो आपको किसी को कुछ क्रेडिट नहीं देना है, कहाँ से डाउनलोड किया क्यों किया ये कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इस फिल्टर को यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड वाले म्यूजिक की। ये रहा एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। ये जो म्यूजिक है उसमें आपको एट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। ये देखिए इसके सामने लिखा है CC, ये देखिए लाइसेंस टाइप क्रिएटिव कॉमन। यहाँ पर ये सारे जो म्यूजिक हैं अगर इनको आप अपने वीडियो में यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये वाला म्यूजिक है इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। जैसे ही मैं डाउनलोड करूँगा ये मुझे इस तरह का मैसेज बता रहा है, यू कैन यूज दिस ऑडियो ट्रैक any of your videos including video that you monetize, however you must include the following information in your video description। तो दोस्तों ये कह रहा है कि आप अपने किसी भी YouTube वीडियो में इसे यूज कर सकते हैं, मोनिटाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये म्यूजिक यूज कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये वाली चीज आपको डालनी पड़ेगी। आप इसे कॉपी कर लीजिए यहाँ से और आपने जिस किसी वीडियो में इसे लगाया है आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ डाल देंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज़ करते हैं कि मेरा ये वीडियो है, इसके अंदर मैंने ये म्यूज़िक यूज़ किया है, तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो मैसेज मैंने कॉपी किया है इसके डिस्क्रिप्शन में मुझे ये डाल देना पड़ेगा। ये इसको बोलते हैं क्रेडिट देना, ताकि पता चल जाएगा कि हमने किसका म्यूज़िक यूज़ किया है। अगर आप क्रेडिट नहीं देंगे तो बिना क्रेडिट के आप इस म्यूज़िक को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये उस केस की बात है जहां पर एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है। जहां पर एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है वहां पर आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा, जहां पर एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है वहां पर आपको एट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा। सिंपल चीज़ है। अगर आप बिना एट्रीब्यूशन का म्यूज़िक डाउनलोड कर रहे हैं तो आप सीधा उसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड वाला म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में इसे डालना पड़ेगा, तभी आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल थी यूट्यूब म्यूज़िक लाइब्रेरी को यूज़ करने की। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर लीजिए, और अगर आपका यूट्यूब से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।